मैंने करनी है कंप्यूटर के पेपर की तैयारी। बिल्ली को अभी मैंने बाहर भगाया, बाहर जाके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं महताब, आप देख रहे हैं वंस एंटरटेनमेंट चैनल। क्या हाल है आप लोग का, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। हम आ गए थे स्कूल से वापस, कपड़े वगैरह चेंज करके और थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके अब हम करने लगे हैं अगेन पेपर की तैयारी। और आज हमने करनी है कंप्यूटर के पेपर की तैयारी, तो अभी हम करना स्टार्ट करते हैं। और हमारा साइंस का पेपर भी हो गया, अच्छा हो गया, ईजी पेपर आया था। जितना मुझे लग रहा था कि मुश्किल आएगा, बट ईजी पेपर आ गया और पेपर हो भी गया। बट खैर, आज मैं थर्ड लास्ट अपने उसकी तैयारी कर रहा हूँ, पेपर की तैयारी, जो कि कंप्यूटर की कर रहा हूँ। तो अभी बस कंप्यूटर के निकालते हैं, देखते हैं क्या चैप्टर, कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या करना है, करते हैं। हमारा बैग भी है पीछे, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं अंदर से, बुक्स वगैरह। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास कॉपीज़ वगैरह भी निकल आई हैं और आ रहे हैं हमारे पास दो चैप्टर्स, तो तैयारी करते हैं स्टार्ट। इस पेपर की मुझे इतनी खास कोई फिक्र नहीं हो रही, बिकॉज हमारा 10th मार्क्स का प्रैक्टिकल हो चुका है। और अगर कोई ऑब्जेक्टिव आएगा 15 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। अगर 15 मार्क्स का भी आ जाता है और मैं वो सही कर लेता हूँ, तो 25 मार्क्स मेरे आ जाएंगे, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और फेल तो नहीं होंगे, पास हो जाएंगे अगर 25 से ऊपर आते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर 25 से ऊपर चले गए तो अच्छे हैं, और चले जाएंगे 25 से ऊपर, तो इतना खास मुश्किल नहीं लग रहा कंप्यूटर। मैंने एक चैप्टर का वो कॉपी वर्क सारा कर लिया और अब मैं करने लगा हूँ इसका जो बुक वर्क। अभी ये यूनिट 8 आके स्टार्ट करेंगे और फिर अभी मैं करता हूँ यूनिट 7 का बुक वर्क। मैंने जो है अब इस वक्त यूनिट 7 का सारा बुक वर्क कर लिया, मैं यूनिट 8 का पहले कॉपी वर्क, फिर मैं करूँगा बुक वर्क। चले जी। ओके, मैंने पढ़ भी लिया है एंड कंप्यूटर का था इजी सब्जेक्ट था, तो मैंने जल्दी आज काम कर लिया, क्योंकि पहले से ही मुझे कुछ बताया था, कुछ मैंने अभी किया, तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है। रात ही, लेकिन अभी कुछ देर में ऐसी रात होगी ना, यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा सर्दियों में कि रात हो भी गई है। एंड खैर, ये क्या है, बिल्ली को अभी मैंने बाहर भगाया, बाहर जाके देखते हैं। ये आ गई थी हमारे पास यहाँ पर बिल्ली और ये मुझे ही देख रही थी, तो खैर फिर इसे हमने बाहर भगाया, तो बाहर ही आके इधर बैठ के इसे हमने कुछ खाने पीने को दिया, पता नहीं ये बोटियाँ थी वो हमने थोड़ी सी डाली और इस तरह करके बिल्ली भी खाने लग गई। खैर, बिल्ली भी चली गई है एंड कंप्यूटर की तैयारी भी हो गई है, और आज का ब्लॉग का मैं भी यहाँ पर एंड करूँगा। कैसे लगा आज का ब्लॉग, उम्मीद करके बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे कर दे सब्सक्राइब, कर दे वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कॉमेंट कर दे। टिकटॉक इंस्टाग्राम पर जाके आपने फॉलो करना नहीं भूलना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने ढेर सारे ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।